हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेके सेट के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि आपका 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाना है। तो दोस्तों, हमारे पास लगभग 15 डेज बचे हैं, तो ये जो लास्ट के 15 डेज हैं, इसमें अपने आप को कैसे तैयार करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन 15 डेज में आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे रखें, कौन से एरियाज हैं जिनको आपको करना है, जहां से आपका मैक्सिमम पेपर है जो बनने वाला है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रेटजी, लास्ट के 15 डेज की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेएनके से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। चलो जी, तो शुरू करते हैं सेशन को। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है दोस्तों, वो है कि लास्ट के 15 दिन बचे हैं, लास्ट के 15 डेज बचे हैं, तो हमारी क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम सेट की तैयारी करें, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नेट जेआरएफ विद शिव टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साथ में आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ अड्डा। इसको इंस्टॉल कीजिए, जहां पे आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब। अगर आप जून 2014 और दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों अर्ली बर्ड बैच है जो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी है वो कंप्लीट करवाई जा रही है। पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अपनी हिस्ट्री की तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जून वाले और आपका दिसंबर वाला एग्जाम है 2023 और जून 2024 की तैयारी को आप अभी से अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। अब देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस है वो कवर कर रखा है, क्योंकि अभी जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बेसिकली रिवीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 15 दिन में आप कैसे रिवाइज करेंगे और कहाँ से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो इसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये सवाल आपके मन में होना है कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। एग्जाम तो दोस्तों आपका 1 अक्टूबर को है, संडे को, ठीक है, डेट ऑफ टेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कि एडमिट कार्ड कब आपके जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड की जो डेट दी गई है वो 20 तारीख दी गई है, यानी कि परसों आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे, 20 सितंबर को, यानी कि परसों, यानी कि आपके एडमिट कार्ड वेडनेसडे को दोस्तों जारी हो जाएंगे एज पर द नोटिफिकेशन। आपके जो एडमिट कार्ड है वो वेडनेसडे यानी 20 सितंबर को आपके जारी हो जाएंगे। तो एडमिट कार्ड की टेंशन खत्म, परसों आपके जारी होंगे। एग्जाम आपको पता ही है 1 तारीख को हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एग्जाम की बात कर लेते कि एग्जाम होना कैसे है आपका। तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही होगा, आपका एग्जाम है जो ऑफलाइन मोड होना है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपके सेम वही हैं जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है? तो 1 घंटे का आपका पेपर 1 होगा 10 से 11 बजे, ठीक है? फिर आपका दूसरा जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा 11:30 से 1:30 बजे तक। आधे घंटे का ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है? ये जो पेपर 1 है ये आप सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 है वो सबके अलग अलग पेपर 2 है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में 50 आएंगे, पेपर 2 में 100 आएंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। तो टोटल आपके जो मार्क्स होने हैं वो 300 मार्क्स होने हैं। ये सबको पता है ये सारी चीजें। साथ में दोस्तों आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने क्वालिफाई होंगे, 6% स्टूडेंट आपके क्वालिफाई होंगे एज पर यूजीसी नेट। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दोस्तों वही है आपका कि आपको 40% मार्क्स तो एटलीस्ट आने चाहिए, लेकिन मेरिट के लिए आपको ज्यादा मार्क्स चाहिएंगे। कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद में कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि लास्ट 15 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें, लास्ट 15 डेज की क्या एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी होनी चाहिए दोस्तों, क्या रणनीति है
जो आपको अपनानी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, देखो जब आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है ना, कि 15 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। पूरा सिलेबस करना इम्पॉसिबल है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा पोर्शन हमें कवर करना है जहां से आपका 70-80% क्वेश्चन है जो निकलते हैं। यानी कि आपको, आपके पास में पेपर वन में 10 यूनिट है, ये ठीक है, ये पेपर वन की 10 यूनिट है आपकी, जो JNK का सिलेबस है सेट का, ये पेपर वन सेट का जो सिलेबस है, इसमें आपके 10 यूनिट है। अब 10 के 10 यूनिट दोस्तों किसी के भी पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं दोस्तों, जो हमेशा मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम पे, 7:3, यानी कि 7 यूनिट आपकी बहुत अच्छी होंगी और 3 यूनिट है जो आपकी क्या होंगी, एवरेज होंगी। तो अभी आपको क्या फोकस करना है कि जो हमारी अच्छी वाली यूनिट है इनको बहुत अच्छे से करना है, और एवरेज वाली यूनिट है इनको छोड़ के नहीं जाना है, इनको देख के जाना है, लेकिन जो 60 यूनिट है इन पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो 7 यूनिट्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जो 3 यूनिट्स हैं उनको हमें नॉर्मली ओवरव्यू करके जाना है। अब दोस्तों लास्ट के टाइम पे हम रिवीजन कहाँ से करें, ये एक बड़ा सवाल आता है कि हमारे रिवीजन के सोर्स क्या हो, सोर्स क्या हो, कहाँ से हम रिवाइज करें, रिवाइज कहाँ से करें। तो पेपर वन और पेपर टू मैं दोनों का आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। देखिए एक कंडीशन है कि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ें, ठीक है, कोई भी नया चीज़ है नहीं पढ़ें। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू आपको करना है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और लग रहा है कि 15 दिन में आपको रिवीजन करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल से एडवाइस है, आपके पास में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो क्या है, अवेलेबल है ना। तो आप देखो, आप विजन JRF पे आप जाएंगे, अपने चैनल पर इसी पे आप जाएंगे, तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको देखो यूनिट 9 और यूनिट 10 की कंप्लीट मैराथन क्लासेस हैं जो आपको दिख जाएंगी, तो यहाँ पे आपको एक एक मैराथन क्लास है जो आपको देखनी है, यूनिट 9 और यूनिट 10 कंप्लीट। अदर यूनिट के मैंने आपके लिए PYQs हैं वो करवाए हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। साथ में देखो और भी बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने JRF अड्डा मेन चैनल पे आप जाके देखेंगे तो सारी यूनिट आपको मिल जाएंगी, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं, अदर यूनिट मिल जाएंगी। तो अभी लास्ट टाइम पे आप यूट्यूब से अपना सिलेबस है वो जल्दी से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। बात रही पेपर 2 की, अगर आपका पेपर 2 दोस्तों हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की भी मैंने मैराथन ली है, मेडिवल मॉडर्न एंशियंट, तीनों मैराथन आपकी ले रखी है, तो इन मैराथन से आप अपना सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में अदर पेपर 2 हैं आपके, तो अदर पेपर 2 के लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी मैराथन कंटेंट ये सब आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 है और जल्दी रिवाइज कहाँ से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपके पास में बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए, कोई नया सोर्स है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास में है 10 यूनिट। अब इन 10 यूनिट में दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पेपर 1 की हम पहले बात करते हैं, पेपर 1 की, ठीक है, सेट पेपर 1 की। तो देखिए अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो देखो यहाँ पे आप ज़्यादा अपना अभी लास्ट के टाइम पे अगर आपका मैथ रीजनिंग वाला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पोर्शन, तो ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं देनी है वहाँ पे, नॉर्मल फॉर्मूलाज वगैरह देख के जाने हैं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है आपका, कम्युनिकेशन है आपका, और आपका ICT है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट हायर एजुकेशन एंड आपका जो PDE है आपका, ठीक है, इनको आप अच्छे से करके जाइए। ये जो 7 यूनिट मैंने आपको बताई है, ये 3 ये और 4 ये यूनिट, ये जो 7 यूनिट है इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ। बाकी आपका देखो कम्युनिकेशन वाला ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये एक दिन या एक रात में आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए
प्रैक्टिस से आपको, वो आप बहुत टाइम से कर रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा। मैथ रीजनिंग जो है दोस्तों, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो आप देख के जाइए, ठीक है। आपका जो डीआई वाला पोर्शन है ये भी आपका हो जाएगा, 5 में से 3 क्वेश्चन कोई भी कर देगा, आराम से हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग है, इसको थोड़ा बहुत देख के चले जाएगा। बाकी जो 7 यूनिट है इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है सबको, ठीक है। तो ये करना है। अब ऐसे ही दोस्तों पेपर 2, आपके लगभग 39 सब्जेक्ट हैं जो पेपर 2 में होने हैं, तो इसकी तो देखो आपने ग्रेजुएशन वगैरह में सब में पढ़ा होगा, तो अच्छी तैयारी होगी। नहीं है और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है दोस्तों, कोड नंबर आपका 19 हिस्ट्री, तो इसके लिए आपको विजन जेआरएफ पे कंप्लीट आपको मैराथन है जो मिल जाएंगी। अपने इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैराथन क्लासेस हैं जो आपको मिल जाएंगी, उनको आप देखिएगा। और मैंने डेली आपके बहुत सारे PYQs MCQs भी करवाए हैं, उनको देखिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो आपको लास्ट टाइम पे अपनानी है। देखिए सबसे पहले तो देखो आपको सिलेबस है, मैंने बताया कि इस पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, और वो कैसे आपको कवर करना है मैंने आपको बताया। PYQs हैं दोस्तों, वो आपको करने हैं सेट के, ठीक है। और कुछ PYQs आपको नेट के भी करके जाने हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन है वो अच्छा से हो पाए। टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो आने वाली है अपनी JRF अड्डा पे, तो आप टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ ही दिन में आपकी लॉन्च हो जाएगी, तो लास्ट के टाइम पे आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवीजन है दोस्तों, मैंने बताया कि रिवीजन आपको अपने नोट से ही करना है, और जो टेस्ट आप दे रहे हैं उनके थोड़े थोड़े छोटे नोट्स बनाने हैं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप उनको रिवाइज कर पाओ। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, ये चीज आपको लास्ट मोमेंट पे करनी है, लास्ट के 15 दिन में करनी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए कि मेन फोकस है वो आपका कोर सब्जेक्ट पे होना चाहिए, टॉपिक्स पे होना चाहिए, यानी कि अभी आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आते ही आते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं पीडी का, कि आपको जैसे कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल है, इसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आपका आएगा टॉपिक एक, है ना। आपके SDG है और MDG है, यहाँ से एक सवाल आपका बनना है, पोल्यूशन से एक सवाल है जो आपका बनना है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा इनको, ठीक है। एक सिंगल सोर्स शुड बी यूज फॉर मल्टीपल रिविजन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करना है, रिविजन इज द की। रिविजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस के लिए रिविजन बहुत जरूरी है। तो एक सिंगल सोर्स है, उसी को मल्टीपल टाइम आपको रिविजन करना है। नई चीज है वो ज्यादा पढ़ने की ट्राई आप मत कीजिए। एक दोस्तों PYQs हैं, उनको अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि PYQs कई बार आपके क्या होते हैं, डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। कई बार नेट के PYQ सेट में आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ट्रेंड भी देखा गया है। अभी आपका MP सेट वाला एग्जाम था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट हो गए थे बेसिकली नेट वाले, तो उनको ध्यान में रखना है। एक दोस्तों टेकिंग टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट एरिया ड्यूरिंग द अलॉटेड, जो आप टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज अभी आपकी आएगी, और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो टेस्ट 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है, ठीक है, एकदम पूरा एग्जामिनेशन वाले माहौल में आके। या आप खुद से भी टेस्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ 3 घंटे में टेस्ट है वो आपको देने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का क्या होता है कि यहाँ तो बिल्कुल आता है, लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं, जब रियल एग्जाम होता है, तो वो घबरा जाता है। तो उसके लिए है टेस्ट सीरीज बेस्ट है, अलॉटेड टाइम पीरियड में टेस्ट सीरीज। एक दोस्तों मेंटेन एग्जाम लाइक कंडीशन वाइज टेकिंग द टेस्ट विच इंक्लूड स्टिकिंग टू द टाइम लिमिट, जो मैंने आपको बताया 4 वाला पॉइंट ही है, जब टेस्ट सीरीज दे तो एग्जाम लाइक कंडीशन में आप टेस्ट सीरीज दीजिए। एक दोस्तों अभी आपको क्या करना है, लास्ट के 15 डेज, लास्ट के 15 डेज है दोस्तों, थोड़ा सा जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा हार्ड कोर बनाइए, है ना, हार्ड वर्क है वो बहुत जरूरी है रिविजन के लिए। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको अभी जब तक आपका एग्जाम हो, देखो आपके पास में कितने दिन हैं, आपके पास में हार्डली हम देखें तो देखो आज आपकी 18 हो चुकी है, ठीक है, तो 3 दिन ये मान लीजिए, और आपके पास में 13 दिन है, मतलब 13 डेज आपके पास में है लगभग, ठीक है, 13 दिन ही है, इससे ज़्यादा दिन आपके पास में है नहीं, ठीक है। तो लास्ट की 13 डेज में आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो लास्ट के 13 डेज में आपको अपना टाइम है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, जिससे कि आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए और पूरे रूटीन से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट के 15 डेज आपको थोड़ा सा हार्डकोर वाली स्ट्रेटेजी है जी अपनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक दोस्तों, अभी जब भी आप टेस्ट वगैरह दें तो मार्क्स वगैरह कम आए या रैंकिंग वगैरह आपके कम आए तो उस पर फोकस नहीं करना है आपको। आपको ये देखना है कि जहाँ पे आप स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आप को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं है कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये नहीं। अभी क्या है, अभी आपके पास में टाइम है कि जो गलतियाँ की हैं उनको सुधार सकते हैं, जो टॉपिक हमारे अच्छे से कवर नहीं है उनको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आपको लास्ट के 13 दिन है आपके पास में ऑलमोस्ट, ना 15 दिन भी पूरे नहीं है, 13 दिन है जिनमें आपको अपनानी है दोस्तों। टाइम टू फोकस ऑन रिविजन एंड मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। रिविजन पे और मॉक टेस्ट सीरीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस है जो यहाँ पे लगाना है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर देखो हम क्या करेंगे। अभी लास्ट के 15 डेज में जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे से जुड़े हैं, लास्ट के 13 दिन ही आपके बचे हैं, 15 भी नहीं है, 13 भी आ गए हैं, तो 12 दिन आप मान सकते हैं। तो इसमें देखो पेपर वन के आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर टू है उसके भी आपको लेक्चर्स मैंने करवा रखे हैं हिस्ट्री के, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। और आपके अदर सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री वाले हैं वो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, साथ में आपकी डेली क्लासेस हैं वो भी हो रही हैं, तो डेली क्लासेस को भी आप देखते ही रहिए सब लोग। डेली क्लासेस में भी आपका रिवीजन चल रहा है, पीवाईक्यूज में आपको करवा रहा हूँ तो उनको आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी लगा के आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नेट JRF विद शिव, जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। और एग्जाम के बाद भी आप जुड़े रहना, क्योंकि नेट की तैयारी है वो यहीं पे आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको सेट की तैयारी करनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम तैयारी करने वाले हैं लास्ट के 15 दिनों में JK सेट की, तो आप सब लोग इससे जुड़े रहिए। साथ में आपको PDF भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया है। थैंक यू सो मच।